नमस्कार, वेलकम टू स्टडी जॉब लाइन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा की आंसर की लेके आए हैं। और दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की आंसर देखने को मिलेंगे और ये आंसर है बिल्कुल विशेषज्ञों के अनुसार तैयार किए गए हैं, बिल्कुल 100% सटीक आंसर की। और दोस्तों इस वीडियो आगे बढ़े उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बिल्कुल सटीक आंसर की उपलब्ध करवा रहे हैं, इसलिए एक लाइक तो बनता ही है। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर देख लेते हैं आंसर की। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहां पर होगा 2014 और 2015। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 75। तो दोस्तों 75 का क्वेश्चन है, सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? ऑप्शन यहां पर है जेवलिन थ्रो, निशानेबाजी, तीरंदाजी और कुश्ती। दोस्तों इसका राइट आंसर यहां पर होगा ए, जेवलिन थ्रो। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो गया ए। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इसका दोस्तों यहां पर राइट आंसर होगा दो। इसका राइट आंसर होगा दो, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। यहां पर दोस्तों पूछा गया है कि मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन चार जिलों में फैला है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, यानी इसका आंसर होगा दो। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। तो दोस्तों 72 में यहां पर पूछ रहा है, देखिए, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन 17 दिसंबर 2018 को कहां किया? तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा डी, जयपुर। यहां पर इसका आंसर होगा 4, जयपुर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 का क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आर्फिड फेस्टिवल कहां संपन्न हुआ? ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, झालावाड़। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 3, उदयपुर। अब हमारा अगला क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका आंसर देख रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर 70। तो दोस्तों 70 का जो क्वेश्चन है, यह है प्रदेश का पहला डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट कहां खोला जाएगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर यहां पर होगा एक, सीकर। देश का पहला डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट है वो सीकर में खोला जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने करंट जीके का वीडियो डाला था और लाइव टेस्ट भी लेते हैं, उसमें एक क्वेश्चन पहले आ चुका है। अब दोस्तों यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 69 का। तो दोस्तों 69 का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजस्थान के कितने गांवों में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान संचालित किया गया? क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर होगा 3599। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जिसका आंसर हम देख रहे हैं वो है 68। अब पूर्व चंदेला और ओम प्रकाश मित्रवाल का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा एक, निशानेबाजी। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो यहां पर आपकी स्क्रीन के ऊपर 56। यह वर्तमान राज्य सरकार 2013-18 में रहे मुख्य सचिवों का सही समूह है? तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा 3। यहां पर राजीव महर्षि, सी एस राजन और अशोक जैन, ये इनका सही क्रम है, इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो यहां पर आपकी स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 52। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल रहा है सितंबर 2018 तक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 14 वर्ष। 52 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा 4। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन यहां पर है, देखिए अगला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 48। देखिए दोस्तों यहां पर पहले आप ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 40। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है, इसका यहां पर देखिए पूछा गया है राजस्थान का कौन सा विस्तार है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, 23, 3 तथा 32, 12। ये है राजस्थान का कौन सा विस्तार, इसका आंसर हो गया 2। अगला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो है 39। तो दोस्तों इसका आंसर होगा यहां पर है, इस क्वेश्चन का आंसर है 1। यहां पर जो इनका सही पूछ रहा है मिलान, किनका मिलान क्या सही होगा? तो दोस्तों कि जो 1 में आपको मिलान दिखाई दे रहा है, ए का मिलान 3 से होगा, बी का मिलान 1 से होगा, सी का मिलान 4 से होगा और डी का मिलान 2 से होगा, ये इनका सही क्रम है, इसलिए आंसर हो जाएगा 1। अब अगला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है 38। तो दोस्तों 38 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा 3। इसका आंसर हो जाएगा 45.8%। 2011 की गणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर 45.8%। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो हम देख रहे हैं वो 37। तो दोस्तों 37 का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 3, 1, 2 तथा 4। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा है गुजरात से लगती है? तो यहां पर सिरोही, सात हिसार, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये 3 जिले हैं जिनकी सीमा गुजरात से लगती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो हम देख रहे हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 33। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पांडिचेरी। 2011
कि जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो वह है पांडिचेरी का। दोस्तों बिल्कुल 100% सटीक आंसर के हम आपको यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए एक बार आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये क्वेश्चन है 32 का। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश नस्ल नहीं है, तो इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 4, बागड़ी। बागड़ी है वो गोवंश नस्ल नहीं है, इसके अलावा तीनों है गोवंश की नस्ल है। अगला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 31, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुद्दा यानी थीम क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना यानी निरस्त करना एक तरीके से, इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो है दोस्तों यहां पर आपकी स्क्रीन के ऊपर 29। देखिए दोस्तों 29 का जो क्वेश्चन है, बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 1, चित्तौड़गढ़ में। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 30 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसका राइट आंसर यहां पर होगा ए, दक्षिणतम प्रदेश। अब जो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो है यहां पर क्वेश्चन नंबर 27, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 राजस्थान में भामाशाह शास्त्र बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर दोस्तों होगा 3,00,000 रुपए। अब अगला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 26 का, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात दर, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा 4,1919। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात है 919। अगला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो है 22 का, तो दोस्तों 22 का क्वेश्चन है 2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा सर्वाधिक था, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा 3, अमेरिका। अब दोस्तों जो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा 2। यहां पर ए बी और सी है, ए बी और सी है ये राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन डी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहां पर होगा 3, ब्यावर। बादशाह का प्रसिद्ध मेला है वो ब्यावर शहर में आयोजित होता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 17, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा 4, वीर कल्ला जी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर है छगनलाल चौपासनी वाला, यह है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, इसके अलावा तीनों बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों पिछवाई चित्रकला कहां की प्रसिद्ध है, तो पिछवाई चित्रकला है वो यहां पर नाथद्वारा की प्रसिद्ध, इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला है संप सभा की स्थापना किसने की, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा 4, गोविंद गिरी। संप सभा की स्थापना है वो गोविंद गिरी ने की थी। अगला क्वेश्चन यहां पर आपकी स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 12, अकबर ने सर्वोच्च मनसब यानी 7,000 किस राजपूत शासक को दिया था, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर यहां पर होगा 3, राजा मानसिंह। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो आपके सामने है, तो क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा 1, कालीबंगा है वो चूरू में नहीं है, इसके अलावा तीनों है इनका सुमेल है ना वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दोस्तों होगा यहां पर आपके सामने उमादे, रूठी रानी का नाम है वो, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, उमादे। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 8, अबुल फजल ने किस ध्रुव के बारे में लिखा कि है इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने सिर की पगड़ी गिर जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा दोस्तों 2, कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इससे दोस्तों पूछ रहा है कि जो त्योहार है इनको यहां पर प्रारंभ से अंत के क्रम में जताना है, यहां पर दोस्तों तो इनका राइट क्रम है वो यहां पर है देखिए 1, डी, सी, ए और बी, ये इनका सही क्रम होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दोस्तों होगा 2, गुज्जर प्रतिहार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इनको पूछ रहा है कि आपको सही सम्मिलित करना है, तो दोस्तों इनका सही सम्मेलन होगा जो 1 में दे रखा है ना, ये ए है ये 1 से मिलेगा, बी है 2 से मिलेगा, सी है 3 से मिलेगा, डी 4 से मिलेगा, ये इनका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 3, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दोस्तों होगा 2, यहां पर इसका आंसर हो जाएगा घुड़ला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1, द्वारिकाधीश मंदिर है वो काकरोली में नहीं है, इसके अलावा सभी क्वेश्चन है वो यहां पर इनका सही मेल है, लेकिन जो द्वारिकाधीश मंदिर है वो काकरोली में नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देसी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा डी, यानी कि 4 हरिपुरा अधिवेशन 1938, इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए, ये हमने जीके के जो क्वेश्चन है आज का जो पेपर हुआ 28 तारीख को, उसके दोस्तों आपको आंसर की उपलब्ध कराई है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों में शेयर भी जरूर करें, ताकि आपके दोस्त भी अपने आंसर की चेक कर सके। और दोस्तों आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लेना, तथा अगर आप पूरे पेपर की आंसर की देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी हम आंसर की का वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।